नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण और मेरे चैनल अराउंड पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं जयपुर ज़िले की जमवारामगढ़ तहसील में, और इस समय मैं हूं जमवारामगढ़ फोर्ट, जो किला है जमवारामगढ़ वो आप देख रहे हो मेरे पीछे। और उससे पहले मैं आपको जमवारामगढ़ थोड़ा सा उसका हिस्सा बता देता हूँ आप। ये जमवारामगढ़ है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट ये काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ बसा हुआ है। पुराने यहाँ मकान आज भी है, महल मकान। और अब मैं थोड़ा सा आपको जमवारामगढ़ के बारे में बताने वाला हूँ विस्तृत से, और इस जो महल का अभी इनोवेशन काम चल रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ मैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये मीणाओं की राजधानी रही है, और इसको पहले मांस कहते थे, और इसकी जो आगे जानकारी है मैं आगे आपको किले में चलकर बताता हूँ। दोस्तों, ये जो जमवारामगढ़ है ये माच राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, और यहाँ पर शिर्रा गोत्र के मीणाओं ने राज किया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शिर्रा मीणाओं में नाथू मीणा राज कर रहे थे, उस टाइम दुल्हे राय ने इन पर आक्रमण किया। दुल्हे राय बुरी तरह परास्त हुआ और युद्ध के मैदान में घायल होकर पड़ गया। उसके बाद में जमवाई माता ने उसको दर्शन दिए और उसको उठाया। उसके बाद में जमवाई माता के कहने पर उसने दोबारा आक्रमण किया, और फिर उसने मेरा मीणा सरदारों को हरा कर इस जमवारामगढ़ पर आधिपत्य कर लिया। दोस्तों, ये देख रहे होंगे काफ़ी पुराना महल है, और इसको दोबारा इनोवेशन करके नया किया जा रहा है, और इस महल में नए करने के साथ साथ इसमें पुराने पुराने खंभे भी लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में इसको दुल्हे राय ने जमवा रामगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और अब आगे इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये देखिए, इधर भी नया जो बन रहा है उसमें है, और हम आपको आगे अब लेके चल रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, कितना मतलब उसी तरीके से बनाया जा रहा है जैसे पहले एक किला था, और ये ध्वस्त हुआ है। काफ़ी पुराना किला होने की वजह से ये ध्वस्त हो गया, कालांतर पे किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। और ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे कुछ अवशेष यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे आपको, और यहाँ बंदरों का घर है ये। और इधर भी देखो, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ऊपर लेके चलने वाला हूँ, और ऊपर चल कर ही मैं आपको इसका इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी मुझे है और मुझे कहीं से मिली है वो आपको यहाँ जानकारी मैं दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो इस किले का जिसको मुख्य भाग मान सकते हैं वहाँ पहुँच गए हैं, और ये वो ब्रिज है जहाँ से राजा महाराजा और उनकी रानियाँ यहाँ से बाहर का नज़ारा देखा करती थी, और इस ब्रिज में से ही जमवारामगढ़ का पूरा दृश्य दिखता है। और दोस्तों, इसी ब्रिज से, इसी किले से थोड़ा सा पास में जमवारामगढ़ बांध है, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, आपको मैं ऊपर बता देता हूँ कि वो आपने मेरा एक पहले वीडियो देखा होगा, बांस को जो आई बटन में आपको दिख रहा होगा वैसा ही टाँका ऊपर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, इस टाँके का ऐसा ही एक वीडियो आपको मिलेगा मेरे चैनल पे, वो आप आई बटन में देख रहे होंगे, एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, उसको आप देखिए। और ऐसा ही टाका लगभग राजस्थान के किलों में हर जगह मिल जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर वाला जो मंजिल है उसका भाग है, और ये इनोवेशन से इसका मुख्य दरवाज़ा बनाया जा रहा है, इधर से रास्ता होगा। और जमवारामगढ़ बांध देखने के लिए वो ब्रिज है, और वो जो छतरी है वहाँ से बांध का दृश्य दिखता है। मैं आपको आगे और चल के पूरे महल में अब मैं आपको आगे लेके चलने वाला हूँ। मैं इस किले का थोड़ा सा मुझे जो जानकारी है वो इतिहास में आपको बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये माच राज्य का एक टाइम शासक था नाथू मीणा, और उसको हराया था दुल्हे राय ने। उस मीणों से युद्ध में जो जमवाई माता जी है उन्होंने दुल्हे राय की सहायता की थी, इसलिए दुल्हे राय ने जो रामगढ़ जमवारामगढ़ बांध है उसके पास में जमवाई माता का एक मंदिर बनवाया, उसका उस जमवाई माता के ने इसमें सहायता की थी, इसलिए दुल्हे राय ने अपने पूर्वज भगवान श्री राम के नाम पर इस राज्य का नाम जमवाराम गढ़ रख दिया, जमवाई माता और रामगढ़। आपको मैं इस महल में अंदर लेके चल रहा हूँ, और कहानी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों,
इस किले का निर्माण ऐसा कहा जाता है। ये देखिए कितना शानदार और कितना ज़बरदस्त ये किला है। 1612 में स्वामी मानसिंह ने इसका निर्माण कराया था, ऐसा शिलालेखों और इनमें पता चलता है। दोस्तों ये इसका इस किले का मुख्य भाग बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ये रानियों का महल था और एक प्रकार से राजा महाराजाओं के महलों में रानियों के महल ज़रूर रहा करते थे। ये देखिए दोस्तों ये रानियों के लिए स्पेशल महल था और इसका निर्माण इस किले का निर्माण स्वामी मानसिंह ने 1612 में करवाया था, ऐसा शिलालेखों और इनमें प्रमाण मिलता है। यह आपको मैं बता देता हूँ और थोड़ा सा और अंदर चलकर मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी पुराना और खुर्द-बुर्द ये किला है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना शांत कितना शानदार तरीके से, ये देखिए दोस्तों काफ़ी ऊंचाई तक बना हुआ है। अब मैं यहाँ से आगे जा नहीं पाऊँगा क्योंकि इधर से आगे ऊपर जाने का रास्ता इधर से नहीं है। मैं थोड़ा सा और उधर आगे चलता हूँ। देखें इस ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इस किले के निर्माण के साथ साथ शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और काफ़ी सारे मंदिरों का, छोटे मोटे किले बावड़ियों का निर्माण हुआ था। वो कालांतर में धीरे धीरे दोस्तों गए। ये देखिए दोस्तों ये, और ये अंदर जाने का एक और गेट दोस्तों में मिला है। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे काफ़ी पुराना और काफ़ी शानदार ज़बरदस्त ये, और हम आपको उस जगह पहुंचा दिया जहां ये देखिए दोस्तों ये किले का मुख्य भाग आ गया। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना असीम, कितना मस्त, और जो रानियों का महल है उसमें पीछे जो बना हुआ है। और ये देखिए दोस्तों ये पानी का टांका, बावड़ी, खोद, क्या कह सकते हो उसको, वो भी कह सकते हो। और ये जो महल का जो मुख्य भाग है, उस जो रानियों का मुख्य भाग है उस महल के जस्ट ये पास में है। दोस्तों मेरे को भी किसी ने बताया था कि ये यहाँ रानियाँ रहा करती थी, और जस्ट इसके उधर उस साइड में आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ एक और एक बावड़ी सी बनी हुई है जिसमें राजा और रानी का वो स्पेशल जिसको कहते हैं स्विमिंग पूल वो हुआ करता था। आपको मैं इस महल के, देखिए दोस्तों ये, और यहाँ से आपको अगर वो सामने पहाड़ दिख रहा है तो वही जो आपको वहाँ पहाड़ के पास में छोटे मोटे कुछ दिखाई दे रहे हैं वही जमवारामगढ़ का पहाड़ है, और जमवारामगढ़ बांध है वहाँ, और जमवारी माता भी उधर ही है। दोस्तों मैं पहले के रूम बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये काफ़ी बड़ा रूम है। ये देखिए इसके अंदर भी एक रूम बना हुआ है जिसमें काफ़ी अंधेरा है। और ये देखिए ये यहाँ पे थोड़ी सी चित्रकारी भी आपको, ये देखिए दोस्तों काफ़ी चित्रकारी भी है। और ये देखिए ये रूम है, काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त जगह लेकर आया हूँ दोस्तों आज मैं आपको। और ये काफ़ी प्राचीन है 1622 का। और देखिए दोस्तों चमगादड़े, ये देखिए ये आपको हर जगह मिल जाएगी। भानगढ़ का भी ऐसा ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा, सेम भानगढ़ जैसा ही ये किला है, उसका वीडियो भी आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। मेरे साथी थे कृष्ण जो मेरे कैमरामैन है, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा ऊपर चल के और अच्छी तरीके से इस पूरे महल का दृश्य हम देखते हैं। तो दोस्तों काफ़ी मकसद हुई है, और उसके बाद हम इस पहाड़ पर चढ़ के जो इस किले का आपको पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों ये इस किले का एंड है। इसके बाद ये पहाड़ है, इस तलेटी में ये बना हुआ है किला, और अब इसका इनोवेशन का काम चल रहा है। दोस्तों ये दीवार थी, इसको तोड़ के गेट बना लिया गया है, और मैं इस महल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हूँ। और ये देखिए इस महल का
क्या हाल हो गया। और आपको ऐसा नहीं दोस्तों यहाँ से तो ऐसा लग रहा होगा कि हम भानगढ़ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने जो ये माच राज्य फिलहाल जमवारामगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, ये मीणाओं सिरा मीणाओं की राजधानी और यहाँ राज किया था। उसके बाद दुल्ले राय ने उनको हरा कर इस जगह पर आधिपत्य कर लिया और इसको रामगढ़ नाम देकर ये काफ़ी बड़ा राज्य जो जयपुर ज़िले से 27 किलोमीटर दूर है उसको अपने आधिपत्य में लेकर बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त किला है। उसकी मैंने आपको वीडियो में सारी कहानी बताई। आई होप दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, वीडियो तो आप ऐसे भी देख ही रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरे ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देखते हैं, तो मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे आने वाले सारे ज़बरदस्त और ऐसे ऐतिहासिक और अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी शानदार ज़बरदस्त और ऐसे ही बहुत अच्छे जानकारीफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।